अगर आप स्लीपर 3 AC में डॉग या कैट को लेके जाना चाहते हो तो यकीन मानिए लेके जा सकते हो, पर काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कैसे लेके जाना है और क्या प्रोसीजर है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, इसलिए एंड तक देखना है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि किस ट्रेन के लिए पहले अलाउड होता है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो अगर आप फर्स्ट AC में जा रहे हो तो आपको कूप और कैबिन लेना पड़ता है बुकिंग के लिए। अब कूप क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट AC में एक छोटा सा कैबिन मिलता है आपको, मतलब 2 ही लोग उसमें जा सकते हैं, उसे कूप कहते हैं। और कैबिन जो होता है वो 4 लोगों के लिए होता है। ये फर्स्ट AC में आता है, उसमें बहुत अच्छा पैसा लगाना पड़ता है। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कूप के साथ अगर 2 लेना पड़ेगा, यानी 2 टिकट लेना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो, क्योंकि डॉग और कैट अलाउड नहीं है ऐसे पब्लिक के लिए। और फर्स्ट AC में ही डॉग अलाउड होते हैं, पर आप स्लीपर में भी और 3 AC में भी लेके जा सकते हो। क्या करना है अब मैं बताता हूँ आपको। देखो यार, सबसे पहले तो यार अगर आपको स्लीपर में जाना है, टिकट तो बुक करना ही होगा यार आपको। स्लीपर या 3 AC जिसमें भी जाना है टिकट बुक कर लीजिएगा। पर रुकिए, यहाँ पर एक छोटा सा पॉज लगाना चाहते हैं। ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, ये कितने साल के बाद देख रहे हो, महीनों के बाद, मुझे नहीं पता है। पर अगर रूल्स क्या है, कभी कभी चेंज हो जाते हैं IRCTC के, तो आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आप मिनिमम 48 आवर्स पहले जाके ये चीज़ कन्फर्म कर लीजिए जो मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि IRCTC रूल आए दिन चेंज कर देता है। नो मैटर, आपको भी ये बात पता होना चाहिए, तो थोड़ा सतर्क रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो मैं सबको बता रहा हूँ वही चीज़ फॉलो करना है, पहले एक कन्फर्मेशन चाहिए, क्योंकि वीडियो अगर काफ़ी टाइम के बाद आप देख रहे हो तो प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो करना क्या है आपको, देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको समझा दिया, अगर फर्स्ट AC और मैं आपको जाना है कूप और कैबिन का, तो वैसे भी डिटेल वीडियो मैंने बहुत पहले बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बिना टाइम वेस्ट करिए यार शुरू करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा वेट हो गया। देखिए अगर आपको स्लीपर और 3 AC में लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हो, पर बहुत सारा प्रॉब्लम है इसमें। कैसा प्रॉब्लम है अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो आपको सबसे पहले बुक तो करना है टिकट, उसके बाद आपको जाना है अपने पार्सल वाले डिपार्टमेंट में, यानी जहाँ पे भी आपने बुकिंग किया है, जिस तरीके से आप जाने वाले हो, जो भी स्टेशन से जाने हो, वहाँ पे आपको एक पार्सल डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे आपको जाना है। कुत्ते को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। अभी देखिए पार्सल डिपार्टमेंट में तो आपने बुक कर ली है टिकट, अब आपको करना क्या है, वहाँ पे जाना है पार्सल डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आपको लेके जाना है अपने कुत्ते को। अब कब लेके जाना है, जिस दिन आपका ट्रेन है उसे 5 से 6 घंटे पहले। अब जिसका ट्रेन सुबह में है वो भी वही चीज़ फॉलो करेगा, लोग यही सोचते हैं, नहीं आपको एक दिन पहले चले जाना है, ठीक है। आपको एक तरीके से मतलब ये है कि आप कभी भी जाइएगा वर्किंग आवर्स में, यानी देखिए पार्सल डिपार्टमेंट का टाइमिंग कोई दिक्कत नहीं है, पर एक टाइम होता है जहाँ पे सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। अब आप रात के 1 बजे जाओगे यही चीज़ करने के लिए, मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है, किस्मत पे डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहले चीज़ है, आपको वहाँ जाना है और आपको वो लोग दे देंगे आपको एक परमिशन, यानी छोटा सा स्लिप आपको मिल जाएगा वहाँ से। अगर आप स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हो तो डॉग को और कैट को आप अपने कैबिन यानी अपने कोच में लेके नहीं जा सकते हो। तो कहाँ जाएगा वो, वो जाएगा सिक्योरिटी गार्ड के वार्ड में, यानी सिक्योरिटी गार्ड का एक छोटा सा कैबिन होता है, यानी एक कोच उनको एलोकेट किया जाता है पार्सल्स के लिए। आपको वहाँ पे आपको एक छोटा सा मिलता है कंटेनर टाइप, ब्रैकेट जैसे बोल सकते हैं, जिसमें आप डॉग को प्रिजर्व करके रख सकते हो, यानी रख सकते हो डॉग को एज अ लॉक करके। बट इसमें प्रॉब्लम पता क्या है कि आपको हर 10-5 मिनट के स्टेशन जो भी आप आ रहे हैं वहाँ पे आप दौड़ के जाइए, क्योंकि जब डॉग नए प्लेस पे जाता है और आप उसे लॉक करके रखते हो तो वो बहुत ज़्यादा बार्क करेगा। सेम गोज़ टू कैट के लिए भी, तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि देखिए एक तो बड़े बड़े स्टॉप पे आप जाके डॉग को निकाल के बाहर घुमा सकते हो और खाना पीना सब आपके ऊपर आता है। आपको बस सिक्योरिटी गार्ड में छोटा सा आपको छोटा सा जगह मिल जाता है, वहाँ पे आप रख सकते हो। बट अगर अपना स्लीपर आपका बहुत दूर है और आपको बहुत भागना पड़ेगा, तो एक चीज़ इंसान रेडी रखनी है, भागने के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप अपने डॉग या कैट से प्यार करते हो आप छोड़ नहीं सकते, आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वो बहुत ज़्यादा बार करेगा, क्योंकि एक तो नया चेंज हो गया प्लेस। अगर आपका कुत्ता नहीं भी भागता होगा ना तो भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो इरिटेटेड हो जाता है। तो रिकमेंडेड है अगर आप स्लीपर या 3 AC में जा रहे हो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। सिंपल सी बात है, आपको पार्सल डिपार्टमेंट में जाना है 6-7 घंटे पहले जाइएगा, एक स्लिप मिल जाएगा आपको, वो स्लिप आपको सिक्योरिटी गार्ड को दिखाना होता है, जो सिक्योरिटी का एक और कोच होता है। हर ट्रेन में एक सिक्योरिटी का कोच होता है जिसमें पार्सल्स जा रहे होते हैं, उसमें भी आपको छोटा सा मिल जाता है कंटेनर टाइप जहाँ पे अपने डॉग या कैट को रख सकते हो। पर एक चीज़ है, पूरे ट्रेन में बस एक ही वो रहता है, तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर किसी ने 2-3 पैसेंजर 2-3 डॉग लेके जा रहा है तो परमिशन नहीं मिलता, ओनली 1 पैसेंजर मिलता है, और वो पूरे ट्रेन के लिए बस एक ही डॉग अलाउड रहता है, क्योंकि उसमें एक ही जगह होता है ना, इसलिए किसी किसी में 2 होते हैं बट किसी किसी में एक ही होता है, तो एक ही रहता है मोस्टली। आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इतना तो हो गया,
प्रॉब्लम देखिए, जैसे मैंने बताया, एक तो आपको अगर आपका कोच जो है स्टार्टिंग में है, डॉग वाला लास्ट में होता है सिक्योरिटी गार्ड का, आपको बार बार भागना पड़ेगा, ठीक है। खाने पीने के लिए आप वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा फैला सकते हो, ठीक है, नो डाउट, पानी वीनी भी आप रख के आ सकते हो, पर वो भी नहीं होता है। कभी कभी आपको बाहर निकाल के स्टेशन पे घुमाने का परमिशन है, बट कहाँ पे, जिस पे हॉल्ट 10 मिनट तक है। अब 2-3 मिनट के हॉल्ट पे मत निकालिएगा, हो जाएगा कल्याण। तो जिस पे बड़ा स्टेशन पे हॉल्ट है वहाँ पे जाइए, आराम से निकालिए, घुमाइए फिराइए। और देखिए, किसी को काटना उठना नहीं चाहिए यार फालतू में, तो रूल फॉलो करना नहीं भूलना है। अब देखिए, जैसे मैंने बता दिया, जितना भी डिटेल, इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे भी। और फर्स्ट एसी और मैं जानना चाहते हो कोप और कैबिन कैसे बुक करना है, और अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो कैबिन में बुक कर रहे हो, कैसे क्या है, जो भी है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बना दिया, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो डॉग के साथ ट्रैवल कीजिए या अपने कैट के साथ, मज़े से। यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।